छह बारह का। हम बेटियां कम नहीं किसी से, हमसे ही तो देश की शान है। लोभ नहीं हमें धन माया का, देश की मिट्टी पर सर्वस्व कुर्बान है। हम बेटियां कम नहीं किसी से, हमसे ही तो देश की शान है। पूरा हाईवे बंद हो चुका है। हर पल हर क्षण परिश्रम में लगी अंधेरों पर मंद मुस्कान है। कम नहीं हम बेटियां किसी से, हमसे ही तो देश की शान है। फर्स्ट टाइम हो रहा है एंड ऐसा लग रहा है भाई मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चंडीगढ़ के ISBT इंटरस्टेट बस टर्मिनल से। और आज हम यात्रा करने वाले हैं चंडीगढ़ से लेके शिमला तक, वो भी वोल्वो की B8R। देख रहे हो भाई, हिमसुता नाम दिया गया है इसको, काफ़ी प्यारी लग रही है लुक में। और आज की स्पेशल बात, आपको टाइटल देख के पता चल गई होगी कि आज की जो हमारी ड्राइवर रहने वाली है ना भाई, वो एक लेडी रहने वाली है। मतलब इस बस को आज ड्राइव करेंगी एक लेडी, जो कि इंडिया की फर्स्ट वोल्वो ड्राइवर है। HRTC की भी फर्स्ट वोल्वो ड्राइवर हैं एक लेडी, जिनका नाम सीमा ठाकुर है। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं वो, तो वही इस बस को ड्राइव कर रहे हैं। और भाई इस कंटेंट को बनाने के लिए मैं इतनी मुशक्कत सहनी पड़ रही है ना, कभी शिमला कभी चंडीगढ़ कभी शिमला कभी रोहडू, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैम की ड्यूटी कहाँ पे है। बहुत मुश्किल के बाद भाई मैम की मुझे ड्यूटी पता चली है कि इस बस में लगने वाली है। और स्पेशल दो दिन वेट किया मैंने चंडीगढ़ में, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट दिखानी है। ये हमारी वोल्वो B8R है एंड इसका अंदर इंटीरियर भी दिखाते हैं आपको, कैसी दिखती है अपनी बस, ठीक है। तो ये हमारी बस का कुछ इंटीरियर है, ये देखिए भाई वोल्वो B8R, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट आपको 2x2 का मिलता है। एंड ऐसा दिखता है इसका कैबिन, देख सकते हो। ये स्टेयरिंग है यहाँ पे, साथ ही साथ डिस्प्ले है, यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे CCTV कैमरा दिया गया, उसके साथ ही चार्जिंग सॉकेट। तो जो बस का टाइम था वो 6 बजे था, लेकिन अभी तक बस ने डिपार्ट नहीं किया है ISBT से ही। पता नहीं यार इतनी लेट क्यों हो रही है। और साथ ही साथ आपको पता होगा जो अपना रोडू वाला रोड है, उस पर भी काम लगा हुआ है हिमाचल में, वहाँ पे जो पुल है वो अभी कंस्ट्रक्शन में है। तो ये इसका लगेज स्पेस, यहाँ पे लगेज वगैरह रखा जाता है। बोलो मैं देखिए, थोड़ा बहुत अभी लगेज रखा है पूरी बस की। मैम देखिए यहाँ पे बैठ चुके हैं अपनी सीट पे, फ्रंट सीट पे, देखिए देखिए। ये हमारे मैम है, गुड मॉर्निंग मैम। तो ये हमारे सीमा मैम है, जो कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल ड्राइवर है। काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है एंड बहुत सारी लेडीज़ को सीखने की ज़रूरत है। तो ये मैम वोल्वो की B8R है ना, तो इसको हिमाचल जो रोडवेज है उन्होंने नाम दिया है हिमसुता का, ठीक है। चांस कितना होगा मैम शिमला का यहाँ से? हाँ तो हो गया ना, बस 6 बजे डिपार्चर टाइम था, 6:12 का। अभी 6:12 भी चलेगी ये बस। भाई अंदर आपने सीमा मैम से मिल रिया और उनसे पूरा रूबरू करवाएंगे, उनका एक इंटरव्यू लेंगे टाइप का। और क्या आपको पता है जो मैम है ना, उन्होंने पूरी रात बस ड्राइव किया भाई। 12 बजे शिमला से आए थे मैम और 4 बजे यहाँ लगाई थी, अब 6 बजे देखो फिर से निकलना पड़ रहा है। तो इतना ज़्यादा मतलब टफ लाइफ है, मतलब ड्राइवर लाइफ तो आपको पता ही है भाई, और वो भी एक लेडी, कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी लाइफ से अपनी फैमिली से। आई होप कि आपको आप समझ रहे होंगे। बाकी पूरा इंटरव्यू लेके दिखाएंगे मैम का, मैम आगे लेके जा रहे हैं बस को। बाकी हमारे परिचालक भैया, क्या नाम है आपका? पूर्ण कुमार। हाँ तो ये भी हमारे साथ ही जाएंगे। अरे बस हमारी निकल चुकी है सक्सेसफुली ISBT चंडीगढ़ से एंड मैम की भाई आज ड्राइविंग एकदम साफ ड्राइविंग कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं आज के अपनी इंडिया की फर्स्ट फीमेल ड्राइवर सीमा मैम के बारे में। उनके घर के बारे में बात करेंगे, वो क्यों ड्राइवर बनी एंड उन्होंने पहली बार बस कब चलाई थी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीमा मैम के फादर जी के बारे में, जो कि एक HRTC में सक्सेसफुल ड्राइवर थे। एंड जब सीमा मैम छोटी हुआ करती थी तो उनकी गोद में बैठ के स्टेयरिंग संभाला करती थी। ऐसे ही शौक में सीमा मैम की भी एक हॉबी बन गई बस को चलाना। तो सीमा मैम ने एक बार अपने पापा को बोला कि पापा जी मुझे भी बस चलाने के लिए दीजिए, तो उनके पापा उनको गोद में बिठा दिया करते थे। एंड तभी से ही सीमा मैम को बस चलाने का क्रेज़ उत्पन्न हुआ एंड जो उनका लाइफ का गोल था वो एक सक्सेसफुल बस ड्राइवर बन गया। फुली मॉडिफाइड है, जैसे कि आप फायर एक्सटिंग्विशर देख सकते हो बस में लगा है आग वगैरह बुझाने के लिए।
साथ में आपको एसी वेंटिलेटर हर एक सीट पे प्रॉपर भाई दिए गए हैं। यहाँ पे फायर अलार्म भी दिया गया है और साथ ही साथ एक देखिए डिस्प्ले, टाइम डिस्प्ले देखिए कितना प्यारा लग रहा है एकदम सिंपल लुक में। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे LED भी मिलती है, आपको ज़रूरत होती है जब, तो इसमें आप एंटरटेनमेंट पूरा कर सकते हो भाई। कैमरा भी देखने को मिलेगा, देखिए जैसे रिवर्स करनी हो बस तो उसमें हेल्प हो सकती है। जो आज सुबह सुबह बस होती है ये चंडीगढ़ से थोड़ी बहुत खाली जाती है, लेकिन आगे जाके ये बस भर जाएगी। एंड ये जो बस है ये अपनी सेमी सीटर बस है, आधा सो सकते हो अगर हिंदी में बोले तो। वो कैसे देखिए, यहाँ पैनल को आपको एडजस्ट करना है। ये हमारा आ गया लेग रेस्ट एंड ये हमारी सीट आ गई, और इसको अगर आपको एडजस्ट करना है ना तो आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना होगा एंड देन आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपनी सीट्स को। देखिए ये आ गई हमारी सेमी सीटर बस। देखिए मैम कितना नीडर होके, कितनी ब्रेव होके गाड़ी चला रही है विदाउट एनी फियर, विदाउट चार लोग क्या सोच, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और चार लोग आपको बताइए सालों की खुद की कोई औकात नहीं होती और दूसरों को जज करते हैं चार लोग कि ये वो कर रही है। हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में सीमा मैम की जो जॉब लगी थी वो 2016 में लगी थी एंड तब वो लोकल बस चलाया करती थी शिमला से लेके सोलन तक टाटा की। उसके बाद इनको वोल्वो बस चलाने का मन हुआ तो इन्होंने आगे बात की तो इनको बेंगलोर भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ से भी ये सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग पास करके आई एंड इनको रोहडू वाले, शिमला रोहडू वाले रूट पर बस चलाने का अवसर मिला। अभी रोहडू वाला रूट बंद है तो अभी ये शिमला चंडीगढ़ वाले रूट पर बस चला रही हैं। HRTC में अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हो तो आपको बेसिक 12th पास चाहिए, साथ ही साथ आपका जो लाइसेंस है वो 5 साल पुराना होना चाहिए हैवी ड्राइविंग का। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आपका टेस्ट होगा एंड देन आप HRTC में बस ड्राइवर बन सकते हो। इधर देखिए भाई कितना प्यारा हो चुका है, देखिए एकदम बारिश का वेदर हो चुका है एंड बारिश गिरना शुरू भी हो चुकी है। देखिए वेदर भाई 40 मिनट हुए अपनी बस को निकले हुए और अभी टाइम देखो 7:10 के आसपास टाइम हो रहा है एंड ऐसा लग रहा है भाई कि रात हो रही हो, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है तो उसका जो वेदर है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, पूरा वेदर ख़राब हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से हमारा हिमाचल प्रदेश स्टार्ट हो गया है। ख़राब बारिश के चलते हमारा जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है एंड एक ही रास्ता बचा हुआ है हमें शिमला जाने के लिए। दूसरी तरफ से देखिए गाड़ियां मुड़ मुड़ के वापिस आ रही हैं एंड ऐसा लग रहा है पता नहीं आगे क्या हो चुका है। देखिए सारी की सारी गाड़ियां वापिस आ रही हैं, अब सीमा मैम इतनी निडरता के साथ बस चला रही हैं
और सीमा मैम एक इंस्पिरेशन, एक मिसाल बन चुकी हैं उन लड़कियों के लिए जो आपको अपने आप को कुछ नहीं सोचती हैं। सीमा मैम ने आज साबित कर दिया है कि आजकल लड़कियां चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। ये जो हमारा रूट है ना, ये है नेशनल हाईवे 5 जो कि पंजाब के फिरोजपुर से शुरू हो जाता है एंड जो एंड होता है ये होता है शिपरी ला करके एक जगह है जो कि हिमाचल और तिब्बत का बॉर्डर है, वहाँ पे इसका एंड हो जाता है NH5 का। एंड इसमें जो जो बड़े शहर आते हैं जैसे चंडीगढ़, शिमला, फिर अपना पंजाब का मोगा, जगराओं, लुधियाना, ये सब नेशनल हाईवे 5 पे ही आते हैं। और ये हमारा नेशनल हाईवे 5 है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्की हाईवे है, पहाड़ी हाईवे है एंड सिचुएशन आप देख ही सकते हो कि वहाँ पे चावल चुबल हर चीज होती है, मतलब परमिशन लेके जाना पड़ता है वहाँ जाना खेत के लिए। हाँ 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 खेत के लिए। देखो भाई क्या हालत हो गई भाई साहब, बस पूरा हाईवे बंद हो चुका है देखो, और इधर भी देखो क्या हालत हो गई अपने हाईवे। और वेदर पूरा खराब हो चुका है देखो, कि अगर एवरेज की बात करें तो इस रूट पे ये 3-3.5 की एवरेज देती है एंड जो इसका फ्यूल टैंक है वो 450 लीटर का है। बेशक दोस्तों मौसम ख़राब हो चुका था लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे एंड सीमा मैम की ड्राइविंग देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। सच बताऊँ तो दोस्तों आज मैं पहली बार ऐसी किसी बस में बैठा हूँ जिसके चालक एक महिला हो। जी हाँ दोस्तों, मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था मैम के ड्राइविंग स्किल्स देखते हुए, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है सीरियसली। देखिए अब मैं फ्रंट सीट पे भी बैठ चुका हूँ, आई होप कि आप मेरी फीलिंग्स को समझ रहे होंगे कि मुझे अभी कैसा फील हो रहा है। एंड देखिए पूरा का पूरा जो रूट है वो आगे धुंधला हो चुका है, यानी कि पूरी की पूरी फॉग और बारिश की वजह से मतलब रूट देखिए क्या हालत हो चुकी है, लेकिन सीमा मैम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा रूट कैसा है। धर्मपुर में जो कि चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर के आसपास है, और जो अपना धर्मपुर है ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है हिमाचल प्रदेश के। चलो 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 चलो
पत्थर गिर रहे हैं। बड़ा खतरनाक है भाई, ऊपर से पत्थर वो गिरते गिर रहा था ऊपर से, है ना भाई? इतना खतरनाक रूट है यार, पूरा मुझे ना यहाँ पता नहीं है, मुझे इस गाड़ी की टेंशन है कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, बस मुझे नहीं है अपनी टेंशन की मुझे कुछ हो जाए। नहीं मैम, गाड़ियाँ बहुत आ जाएंगी, अपना ध्यान रखो। गाड़ी नहीं नहीं, इंसान रहेगा ना तो गाड़ियाँ बहुत आ जाएंगी। वही जी वो देख रहे हैं महिंद्रा वाले। हाँ भाई, वॉल्वो चलाना कोई छोटी बात थोड़ी है, टैक्सी टुक्सी तो बंदा चलो खींच के चला ले, इतनी बड़ी गाड़ी, प्रेशर इसका पता कितना होता। तो दोस्तों चलिए अब किराए की बात कर लेते हैं इस वोल्वो की चंडीगढ़ से। तो अगर आप चंडीगढ़ से शिमला इसमें आते हो तो आपको 400 समथिंग रुपीस लगेंगे, अगर आप ऑर्डिनरी बस में आते हो तो आपका 250 रुपये के आसपास लग जाएगा, यानी कि 250। तो लगभग चंडीगढ़ से लगभग 67-68 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी बस ने कवर कर लिया भाई, और पहुंच चुके हैं हिमाचल की बहुत खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट में, जो अपनी सोलन। बाकी सोलन को मिनी शिमला के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हेरिटेज साइट्स एंड हेरिटेज माउंटेंस, एंड इसको मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशरूम्स की प्रोडक्शन होती है। लगभग देखिए 8:50 यानी कि 9 बज चुके हैं, एंड हमारी बस को निकले हुए 2.5 घंटे से ऊपर हो चुका है हमारी बस को निकले हुए, और सोलन के बस स्टैंड पे रुकी हुई है। देखिए कितना खूबसूरत वेदर है अपना, और टेम्परेचर होगा यहाँ के 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बाकी चलिए ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, अपने जो कंडक्टर और मैम है ड्राइवर वो भी वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो हम भी यहीं पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है सुबह से। हाँ परांठे दे दो। भाई हमारा ब्रेकफास्ट में हमने लिए पराठे और ये लिए दाल। बाकी मैम भी यहाँ पे कर रहे हैं, देखो ब्रेकफास्ट ये कंडक्टर भैया भी कर रहे हैं और मैम भी कर रहे हैं, तो चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो अभी जो शिमला रह चुका है वो 40 किलोमीटर के आसपास रह चुका है, मैम भी बाकी यहाँ पे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और सर भी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। बाकी जो सर हैं ये भी ड्राइवर हैं, लेकिन अभी घुटने का सर का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए बस चलाएंगे थोड़े दिनों बाद। सो भाई अभी हमारा दोस्त मिला हमें सोलर में, क्या नाम है आपका? विवेक। तो विवेक भाई हैं, इनका ड्रीम IAS बनना है ना। कि अभी अपनी बस निकल रही है भाई, और मैम देखिए बैक कर रही है अपनी बस को। चले थले भी जाने।
परफेक्ट ड्राइवर वही होता है जिसको अपनी गाड़ी का एक एक पार्ट का नॉलेज हो। सिर्फ गाड़ी चलाना ही ड्राइवरी नहीं होती। देखिए पहुंच गए अपनी वॉल्वो हिमसुता की ISVT शिमला में। देख सीमा मैम को देखकर एक ही बात याद आती है, कम नहीं हम बेटियां किसी से, हमसे ही तो देश की शान है और लोभ नहीं हमें धन माया का, की मिट्टी पर सर्वस्व कुर्बान है। इसकी जीती जागती मिसाल थी हमारी ड्राइवर एंड इंडिया की फर्स्ट फीमेल ड्राइवर एंड HRTC की फर्स्ट वॉल्वो बस ड्राइवर सीमा ठाकुर जी, जिनके साथ हमने जर्नी करी एंड बहुत बढ़िया लगा भाई हमें जर्नी करके। अब एंड करते हैं इस खूबसूरत जर्नी को, बहुत बढ़िया लगा हमें यात्रा करके। आपको ये यात्रा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे आपको एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।